वीएम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो यूनिलर्न ऐप के अंदर आपको डिजिटल प्रमाण पत्र किस प्रकार से डाउनलोड करना है आपके मोबाइल के अंदर, वो आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। और भी महत्वपूर्ण जानकारी यूनिलर्न के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताया गया है। आप इस वीडियो को आपको पूर्ण देख लेना है, पूरा देख लेना है, जिससे आपको पूरी जानकारी आपको मिल सके। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल में आपको सब्सक्राइब कर लेना है। पीछे आपको बेल आइकन भी दिखेगा, उसको भी ऑल नोटिफिकेशन आपको क्लिक कर देना है। इसी तरह से आप हमारे इस चैनल में जुड़ सकते हैं। यूनिलर्न ऐप के अंदर आपको 5 मॉडल बनाए गए हैं। 5वें मॉडलों के अंदर आपको प्रारंभिक बाल्य शिक्षा के बारे में इसमें पूरी जानकारी इसमें दी गई है। आप 5वें जो मॉडल दिए गए हैं, 5वें मॉडलों को आपको पूर्ण कर लेना है। किस प्रकार से पूर्ण करना है इनके बारे में मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को आपको पूर्ण देख लेना। और आपका लॉगिन नहीं होता है वो आपको यूजर नेम और पासवर्ड किया लगाना है, इनके बारे में भी मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को आपको हमारे चैनल में जाकर आप उस वीडियो को आपको देख सकते हो, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको दोनों की लिंक मिल जाएगी, दोनों वीडियो की। आप बारी बारी आप उस वीडियो को आपको देख के आसानी से आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपको पूर्ण करना है, किस प्रकार से आप लॉगिन करना है। सभी जानकारी हमारे उस वीडियो के अंदर आपको दी गई है, वह उस वीडियो को आपको पूर्ण आपको देख लेना जिससे आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। फिर बाद में आपको जो प्रमाण पत्र है, डिजिटली प्रमाण पत्र आपको किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है वो आपको इस वीडियो के अंदर आपको बता देते हैं। डिजिटली प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आपको जो यूनिलर्न ऐप को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले यह माई कोर्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका इस तरह से आपका पेज आ जाएगा। इसमें आपका आने के पर आपको जब भी आप डिजिटली प्रमाण पत्र डाउनलोड करें तो आपको 5वें मॉड्यूल को आपको पूर्ण करना है। कौन कौन से मॉड्यूल है जो उसको पूर्ण करना है वो अभी आपको बता देते हैं। जैसे कि आपने पूर्ण नहीं किया है तो इस तरह से आपको जाना है। फिर आपको आल सिलेक्शन पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से एरर का ऑप्शन है, इसमें आल सिलेक्शन में ये 5वें मॉड्यूल है आपको दिए गए हैं। इस 5वें मॉड्यूलों को आपको सबसे पहले आपको पूर्ण कर लेना है। जैसे कि आपका फर्स्ट नंबर जो मॉड्यूल है प्रारंभिक शिक्षा और उसके महत्व के बारे में बताए गए, इसमें अंदर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर वीडियो दिया गया। उसके बाद में आपका कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आंसर देने के बाद में जो ये मॉड्यूल है आपको पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा, तीसरा नंबर का है दैनिक सारणी, और 4 नंबर का है प्रारंभिक शिक्षा सामग्री, 5वें नंबर का आंकलन पत्र। ये सभी जो 5 मॉड्यूल है उस 5वें मॉड्यूल का आपको पूर्ण कर लेना है। मतलब कंप्लीट करने के बाद में आपको 5वें मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद में आपको प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा, जो आपका नाम उसके अंदर लिखा होगा और उसके बाद में आपका आंगनबाड़ी कोड भी आपको लिखा होगा। वही से परीक्षण का जो प्रमाण पत्र है, डिजिटली प्रमाण पत्र आपको डाउनलोड कर लेना है आपके मोबाइल के अंदर। किस प्रकार से डाउनलोड करना है, जैसे कि आपको जो 5वें मॉड्यूल है उस 5वें मॉड्यूल को आपको 100% पूर्ण कर लेना है। जैसे कि इस तरह से आपका 100% यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ग्रीन कलर के 100% अगर आपने 5वें मॉड्यूल आपने शो कर दिया। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आल सिलेक्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आल सिलेक्शन क्लिक करोगे इस तरह से आपको ऑप्शन आ जाएगा, सबसे नीचे वाला जो प्रमाण पत्र वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना। इस पेज के अंदर आपको डिजिटल परीक्षण का प्रमाण पत्र और ये कोष्ठक के अंदर आपका नीला कलर का एक टिक आपको नजर आ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका जो अगला पेज आपको ओपन हो रहा है, उसके बाद में आपका लिखा आ रहा है अवार्ड और पीछे की ओर आपको एक तीर का निशान, आप डाउनलोड करने का निशान आपको नजर आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो प्रमाण पत्र है वो लोड हो रहा है। तो लोड होने के बाद में आपका जो प्रमाण पत्र आपको देखने को आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपका जो प्रमाण पत्र है वो आपका जो डिजिटली प्रमाण पत्र आपको डाउनलोड करना। जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो तो आपको यहाँ पर 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। ऊपर की ओर कोने के अंदर आपको 3 डॉट आपको देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करने के बाद में आपको सेंड पर आपको जाना है, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पर। जैसे जाओगे तो इस तरह से आपका सभी ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसमें से आपको व्हाट्सएप वाला सबसे नीचे आप व्हाट्सएप वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और आपके जो परिवार के कोई सदस्य है कि व्हाट्सएप है उस पर आपको भेज सकते हो, या कोई आपका आंगनबाड़ी ग्रुप है उसके अंदर भी आप शेयर कर सकते हो। जैसे ही मैंने इस ग्रुप में आपको शेयर किया तो इस तरह से मेरा यह डिजिटली प्रमाण पत्र PDF फाइल के द्वारा इस तरह से बन के आ जाएगी, ये आपके फ़ोन के अंदर अब रहेगी। इस तरह से आप अपने मोबाइल के अंदर जो आपका जो प्रमाण पत्र है आप ले सकते हो। इस तरह से आपको प्रमाण पत्र आपको डाउनलोड करना, और भी जो आंगनबाड़ी केंद्र के जो भी
वर्ग के पोषण टेकर हो या कोई भी नया ये पाता है उसके बारे में इस चैनल पर आपको सबसे पहले आपको मिल जाएगा। आप हमारे इस चैनल में जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए इसी वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का एक सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, उसे आपको क्लिक करना। क्लिक करते ही आप हमारे इस चैनल में जुड़ सकते हो।